तू तुम ना मेरी बीवी को पटा ले, कि क्या पसंद है क्या ना पसंद है, कुछ ऐसा कर जिससे कि वो तुझसे पट जाए। उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केस में फंसा दूंगा, तू इतनी हेल्प कर दे। तेरे को मैं प्लानिंग बताऊंगा करके सब कुछ। अबे यार तेरी यार भाभी आ गई, तू फोन रख, तू यार भी सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी पट जाऊंगी। ठीक है मैं मेरे को भी ट्रायल लेना चाहिए ना। जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, पता है तुम मेरे मुझसे ना प्यार ही नहीं मन करती में, हो, मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे इतनी देर से। सेकंड ऑप्शन तो मिलेगा लाइफ तुम में मुझसे प्यार करती आगे नहीं हो ना, बढ़ने के लिए, जीने के तुम लिए। मुझसे प्यार करती नहीं क्या हो। प्यार यार, घंटा जिंदगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज रंजना पर एक प्रैंक करने वाले हैं कि मैं रंजना को फंसाना चाहता हूं अपने दोस्त के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। मस्त प्लानिंग कि मेरी बीवी को तू पटा ले। तो दोस्तों प्रैंक आपको ये बहुत बढ़िया लगेगा, 2 दिन का मैंने आपको वेट कराया है, तो एक जबरदस्त प्रैंक आपको देने का मेरा काम बनता है। आपका भाई जरूर आपको आज मजा देने वाला है। तो वीडियो को फुल वॉच करना, पसंद आए लाइक करना, चैनल बनाओ सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। ठीक है चलो मिलता हूँ मैं आपसे वीडियो के एंड में। हेलो। हेलो रिंकू। हाँ जी, अबे यार वो मुझे ना भाई तुझसे यार एक काम है यार, मेरी हेल्प कर दे यार। बता मेरे भाई, बता। यार तुझे ना मेरा एक काम करना है, सुन। तुम ना मेरी बीवी को पटा ले। अबे रुक जा, कैसी बात कर रहा है, पिटवाएगा क्या? ये क्या बात करता है यार। अबे सुन सुन तो सही यार। हाँ देख ऐसा है, मतलब तुझे असलियत में नहीं पटाना है। देख मैं तुझे बता रहा हूँ उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, कुछ ऐसा कर जिससे कि वो तुझसे पट जाए। और मैं बता रहा हूँ वो तुझसे पटेगी तो नहीं, पर मैं क्या है उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केस में फंसा दूंगा, और फिर ना मैं उससे डाइवोर्स ले लूंगा। तू इतनी हेल्प कर दे, बता कर सकता है? नहीं कर तो मैं दूंगा यार, हाँ लेकिन जो तो मेरा तलाक नहीं हो जाए। नहीं तेरा तलाक क्यों होगा भाई? क्यों, तेरी भाभी को पता पड़ जाएगी तो मैं तो पिट जाऊंगा बेफालतू में। अरे तेरी बीवी से मतलब भाभी जी से बात मैं कर लूंगा कि वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। मतलब ऐसा है ना, मुझे अपनी बीवी को तलाक देना है, समझा? तो उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किसी लड़के के चक्कर में फंसाना है, तो बता हेल्प कर देगा? शाबाश। भाभी अगर मुझे पकड़ लेंगे तो मारेंगे नहीं क्या? अबे यार तू तू इतना डरता है यार, तू इतनी यार पिटने से डरता है यार। तू वैसे ही जिम करता है, हम दोनों जिम जाते, नेक हाथ पिट लेगा तो कुछ हो जाएगा। और फिर मैं कह तो रहा हूँ तुझसे भाई, आदमी की मार अलग होती है, औरत की मार एक अलग होती है। अब सुन तू मेरी बात चल, सुन। तेरा मैं काम कर दूंगा, हम कर देगा ना? ना कर दूंगा, चल तो फिर ठीक है, फिर ठीक है ना? और बता क्या करना मैं है। प्लानिंग बताऊंगा करके सब कुछ। अबे यार तेरी यार भाभी आ गई, तू फोन रख, तू यार तू बच गई। रिंकू तू आई हो मत कल, नहीं तो तू तू पिटेगा जरूर। मैं तो पिट ही रहा हूँ, मैं शर्म नहीं पिटना आती स्टार्ट हो गया। शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हो? नहीं, क्यों? कल ना यार, कल जिम मत आई हो भाई। फोन कट फोन कट फोन कट। क्यों क्या बातें हो रही थी ये सब? क्या बातें कर रहे थे सब? क्या बातें हो रही थी? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे फंसाओगे, मुझे फंसाओगे तुम? इतनी बुरी लगने लगी हूं मैं नहीं बताऊंगा। छुटकारा चाहिए मुझसे, छुटकारा चाहिए तुम्हें? तो मुझे बदनाम करके क्या बता रहे हो भाई? ऐसे बोल दो ना भाई, तो बोल ही रही है तो यार क्या करे। ऐसा करो, डाइवोर्स पेपर बनवा लो, साइन कर दूंगी मैं, पर मुझे बदनाम मत करो, ठीक है ना? तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे कोई पटा लेगा और मैं पट जाऊंगी? हाँ? वो तो मैं खुद कह रहा था कि तू पटेगी नहीं, पर मैं तो तुम्हें बदनाम कर देता ना बस उसके। वो बदनाम किसी को वो तो भी नहीं कर सकता, ठीक है ना? वो तुम्हारे पीछे पीछे आता, ठीक है, तो मैं फोटो खींच लेता, बस यही वाली बात थी यार। एक बात, ये बुद्धि है कि खाली दिमाग का? क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि में? क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? भूसा भर गया क्या? क्या प्रॉब्लम, क्या हो गई अब मुझ में? क्या कांटे निकल आए? अब मैं नहीं, तो मैं अब इतनी बुरी कैसे लगने लगी? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं मैं थोड़े दिन में तुमसे दूर क्या हो गई? मतलब कि तुमने प्लान बना लिया कि इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसा करके इसको इसको डाइवोर्स दे जा। डाइवोर्स देना ना मुझे, डाइवोर्स देना ना, इसीलिए फंसा रहे हो तुम। 2-3 दिन के लिए मायके के चली गई, मेरा प्यार कम हो गया। 2-3 दिन में तुम्हारा प्यार कम हो गया? मेरा तो 2-3 दिन में प्यार बढ़ गया कि मैं तुमसे दूर रही, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, और तुम्हारा 2-3 दिन में प्यार कम हो गया? ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे कम हो जाता? और अभी 2 घंटे पहले तक तो कम हुआ नहीं, तो तुम्हारा
दो घंटे पहले तो पपी जप गए चल रही तुम्हारी मेरे साथ। अब क्या होगा दो घंटे में? दो घंटे पहले तुम्हें, दो घंटे पहले तक तुम्हारी, मैं कह तो रहा हूँ ना दो घंटे तक तो वो नहीं, ना दो घंटे पहले पप्पियां झप्पियां चल रही थी, चाटा चुटी हो रही थी, आई लव यू रंजना ये वो, मेरी लिपस्टिक खा गए सारी। अब क्या हो गया तुमको? अब क्या हो गया? अब क्या दो घंटे में मुझमें फाटा निकला है? अब दो घंटे में मैं इतनी बुरी हो गई? मुझे एक्स्ट्रा मेरे टेलीफेयर में फंसाएंगे, बस यही दिन देखना बाकी थे तुम्हारे साथ में। मैं इतने दिनों मतलब मुझे नहीं याद आ रही थी मैं आकर तुम्हारे लिए इतने अच्छे अच्छे खाने की चीजें बना रही हूँ और तुम यहाँ पे ये सब इतना गंदा सुंदर प्लान बना रहे हो मेरे लिए, शर्म भी नहीं आती तुमको? अब ये दीवार में क्या छेद करोगे दरवाजे में? बोलोगे ऐसा क्या हो गया? तीन दिन में तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया? किसके चक्कर में पड़ गए? किसे चक्कर चल रहा तुम्हारा? किसे चक्कर चल रहा है? ये हाथ क्यों जोड़ रहे? मैं कोई भगवान मेरे सामने हाथ बताओ, बोलो ना। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, बिलीव करोगी? सच में बताओ, बिलीव करोगी? तुम जब यहाँ पे दो या तीन दिन नहीं थी ना, तो मेरे से मिलने ना कोई औरत आती है, पता नहीं वो भूत है या प्रेत आत्मा है, पर मुझे उससे प्यार हो गया है। भूत है? अरे मैया, भूत से प्यार हो गया तुमको? भूत आती है? मुझे नहीं पता, पर मैं ताले लगा के भी सोता हूँ, मुझसे तीन दिन वो लड़की मिलने आई है, उसके साथ मैं मतलब कुछ किया नहीं है, मैंने बैठ के बात की है, सब कुछ किया है, मतलब सब कुछ किया का मतलब बातें की हैं। वो मेरे से शादी करना चाहती है और वो बहुत ही गजब की सुंदर है, एकदम बला की खूबसूरत है वो, एकदम बला की खूबसूरत है वो, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो आसमान से उतरी हुई परी है। मतलब प्यार करने लगे? नहीं, भूत नहीं है, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भूत हो सकती है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ सब लॉक लगा के रखता हूँ, गेट का लॉक भी रहता है, फिर भी वो आ जाती है। तो कोई लड़की हो जिसको तुमने पहले से घर के अंदर बुला रखा हो सेटिंग करने के लिए? हाँ, क्या किया था तुमने मेरे पीछे रात में? क्या किया था? पता है, वो इतनी गजब की खूबसूरत है, मतलब ये समझ लो टाइटैनिक वाली हीरोइन है ना, वो भी उसके सामने कुछ नहीं है, बस उसी के लिए मैं पागल हुए जा रहा हूँ। अब आज पता चलेगा कि आज जब हम सोएंगे तो वो मुझसे मिलने आती है कि नहीं आती। अगर तुम्हारे होते हुए भी, सुनो, अगर तुम्हारे होते हुए भी वो मुझसे मिलने आती है तो फिर मैं तुमको डायवोर्स नहीं दूंगा। फिर तुम दिन की रानी, वो रात की रानी। पड़ेगी घुमाओगे ठीक है ना? दिन की रानी रात की रानी, बड़े तुम राजा हो रहे, दिन की रानी रात की रानी, कौन आने तो? मैं उससे बड़ी पूतनी हूँ, देख लेना ना, चप्पल मार मार के भगा दिया मैंने उसको। अबे यार, ये वाला प्लान भी फेल है यार। सुनो, मैं झूठ बोल रहा था, तो मेरे टेलीफोन में फंसाने की जरूरत नहीं, मत करना मुझे, मेरा ना कह रहा हूँ ना, वो रात की रानी वगैरह कुछ नहीं है, वो मैं ऐसे ही तुम्हें ले रहा था। रात की रानी हो चाहे कुछ भी, नहीं है, कोई नहीं है, मैं फंसी नहीं उसमें चक्कर में, तुम, मैं तुम्हें सारी चालाकी जान गई हूँ। मैं बता रहा हूँ, मुझे ये लगा कि तुम्हें जब पता पड़ेगा कि मेरे पीछे कोई भूतनी पड़ गई है तो शायद तुम वैसे ही छोड़े जाओ। अच्छा, तुम डरा रहे थे मुझे, डरा रहे थे मतलब मैं डर जाऊँ? मैं डर के छोड़ दूंगी तुम्हें, मैं डर के छोड़ दूंगी, मैं डर लग जाएगा कि हाँ तुम्हारे पीछे कोई भूतनी पड़ी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी डर के मारे। यार, तो तुम तैयार हो जाओ फिर। इसलिए मेरा ये दोस्त तो डर गया। हाँ, पर मैं तुम्हें फंसा दूंगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कैसे फंसाओगे? कैसे फंसाओगे? बंदर जैसी शकल के कैसे फंसाओगे तुम? हाँ, हिम्मत है तुम्हारे अंदर? हिम्मत है नहीं। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केस में फंसाऊंगा तो उसमें मैं थोड़ी ना तुम्हें पटाऊंगा, किसी एक बंदे से पटवाऊंगा। कैसे पटवा लोगे? जब मैं पटूंगी नहीं, मैं कोई पटाखा तो पट जाऊंगा किसी से भी। भैया सुनो मेरी बात, फंसाने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम फंसाने, केस में फंसाने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम फंसो। फिर केस में? फिर मतलब तुम पटो। फिर भाई एक चीज बताओ, रास्ते में तुम कहीं जा रही हो, शॉपिंग करने जा रही हो, कोई स्मार्ट सा बंदा आ जाए और सिर्फ तुमसे ये कहे, हेलो एक्सक्यूज मी मैम, ये आपके पैसे गिर गए, और तुम हल्के से स्माइल करके थैंक यू बोल दोगी, और सिर्फ तुम्हारा हाथ में हाथ होगा और मेरा जो दूसरा बंदा होगा वो फोटो खींच लेगा, तो फंसोगी नहीं फंसोगी? ऐसे ऐसे ही स्माइल करोगी, ऐसे ही? अफ,
प्यारी समझ गई। ऐसे ही जैसे अब कर रही हो ना हल्का सा। मैं हाथ पकड़ूंगी नहीं उसका, मैं दे दूंगी एक जापल खींच के सीधे उसको, मैं कह दूंगी, मैं चिल्ला दूंगी सबके सामने कि ये बंदा मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कैसे करोगे, मैं घर से निकलूंगी नहीं। जाओ बहन डर गई, बहन डर गई। कैसे बताओगे तुम घर से निकलोगी नहीं? नहीं तुम ना इतने गिरे हुए आदमी, तुमने कभी सोचा भी नहीं था तुम ब्यूटी पार्लर तक नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं जाऊंगी, अपनी ये बनवाने भी नहीं जाऊंगी, ये आईब्रो बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या चिंता हो रही है? अपने बाल भी सेट करवाने बिल्कुल नहीं जाऊंगी, किसी चीज के लिए नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। पक्का कन्फर्म? मुझे क्यों बता रहे हो, क्या बिगाड़ा मैंने तुमने, क्यों मेरे हाथों के पीछे पड़ गए हो मेरे? तुम जाओगी किसी ना किसी चीज के लिए तो जाओगी, मालूम है, मालूम है जाओगी तुम। 14 फरवरी नहीं, फरवरी तो अभी दूर है, जनवरी में किसी का बर्थडे है। हाँ निक्की का बर्थडे है, निक्की का। कैंसिल कैंसिल, तुम जाओगी? कैंसिल। तो मैं ऐसा फंसाने वाला हूं ना बेटा, तुझसे छुटकारा तो लेके रहूंगा मैं। क्यों छुटकारा लोगे? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे, क्यों पीछे पड़ गई हूँ मेरे, मेरे हाथ के दिमाग ए भूतनी सी, नहीं तो कभी लाइट बंद कर देती, कभी जला देती, क्या बेवकूफ हो गई है तू, फंस गई, इतना भी रोले फसाले। चलो ठीक है, मुझे भी सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी पट जाऊंगी, ठीक है, मैं मेरे को भी ट्रायल लेना चाहिए ना, जब तुम पार्टी बदल लिया साला, तुम इतने ट्रायल ले सकते हो, मैं ट्रायल नहीं। मैंने क्या ट्रायल लिया है? मतलब तुम कह रहे हो ना एक्सट्रामैरिटल अफेयर करके मुझे फंसा के तुम दूसरी शादी लोगे, तो तुम सेकंड दूसरी शादी की तो मैंने बोली ही नहीं है, ये फंस गया। मैंने जब बोला है जब डाइवोर्स लूंगा मैं, तो डाइवोर्स लोगे तो क्या तुम साधु महात्मा बनोगे क्या? मैंने बोला दूसरी शादी करूंगा, तो तुम साधु महात्मा? नहीं मैंने बोला नहीं तुम साधु महात्मा बनोगे, तुम सेकंड ऑप्शन लोगे, मैं भी सेकंड ऑप्शन में भी ट्रायल मार लूंगी, हो सकता है तुम्हारी तो बंदर जैसी शक्ल है, थोड़ा अच्छा हैंडसम सा बंदा मिल जाएगा। एक बार भी मैंने ये नहीं बोला है कि तुझसे तुझे मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल केस में अफेयर में फंसा के मैं डाइवोर्स लेके मैं दूसरी शादी करूंगा, दूसरी औरत से चक्कर चलाऊंगा, एक बार नहीं बोला। फिर भी तुम जैसी, जो मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, तुम ऐसी बीबी होती है ना जो बस प्रति ने ये कह दे कि मेरे किसी और से चक्कर से, तुम तो बीबी तुम उससे प्यार ही नहीं करती हो, पता मेरे उससे प्यार ही नहीं करती। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे इतनी देर से कि अच्छा है चलो सेकंड ऑप्शन तो मिलेगा लाइफ तुम में, तुम उससे प्यार करती नहीं, आगे बढ़ने के लिए जीने के लिए तुम उससे प्यार करती नहीं। प्यार यार घंटा जिंदगी खराब हो गई है मेरी, उसको सांस तो लेने दे। प्यार प्यार क्या होता है, प्यार प्यार बोर हो गई हूँ मैं तुमसे, सही बात बताऊं तो, और मुझे लगता है तुम भी मुझसे बोर हो चुके हो, जिंदगी में कुछ थोड़ा सा चेंजेस जरूरी है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन मैं भी लेती हूँ, सेकंड ऑप्शन तुम भी लो। मैंने बोला सेकंड ऑप्शन, सुनो तो मेरी बात, नहीं मैंने बोला, अरे मैं कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो वापस दोनों मियां बीवी बन के रहेंगे। मैंने बोला सेकंड ऑप्शन के लिए। तुमने नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केस में फंसा कर तुझे डायवोर्स दे दूंगा। हाँ, मैंने बोला सेकंड ऑप्शन के लिए। तुमने नहीं बोला, पर मैं कह रही हूँ ना अच्छा है ना सेकंड ऑप्शन ले ले। तू उससे प्यार ही नहीं करती क्या? मैं इतनी देर से मजाक कर रहा था, नाटक कर रहा था मैं। अब आए ना लाइन पे, मैं कर रहा था नाटक कर रहा था कि मैं परे लगा है कैमरा तो बता दो, दो दिन के बाद आई थी इसलिए प्रैंक कर रहा था, हम भी सबसे प्रैंक ही कर रहे थे आपके साथ, नौटंकी कर रहे थे, ठीक है, पता है कि तुम इतने डीपली नहीं घुस सकते किसी चीज में। शुरुआत में तो डर गई थी, शुरुआत में डर गई थी, पर जब तुम इस बात को ज्यादा तुल दे रहे थे ना, मैं समझ गई कि बंदा को दाल में काला है, इतने दिन बाद आई हूँ तो प्रैंक तो जरूर करोगे, तो मुझे कुछ कुछ लगा दाल में काला, और मैंने ऐसी तुक्की में तीर फेंका और देखो वो सही लग गया, बिल्कुल प्रैंक ही कर रहे थे ना, मुझे पता पड़ेगा कहाँ लगाया कैमरा, बता तो दो यार, बताओगे कहाँ लगाया है कैमरा, क्या करना है मुझे है? पता चल गया इसलिए कि तुम प्रैंक कर रहे थे, ठीक है बताओ, नहीं तो सेकंड ऑप्शन लेने जा रही हूँ। बोरा 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 कैमरा बोरा। दोस्तों आज ये आइए दो दिन बाद, हेलो हेलो, प्रैंक कर रहा हूँ, और मैं बता दूं ये इतनी बिजी चल रही है मैडम, अपनी कुछ लंबी तैयारियां कर रही है, इनके घर में कुछ फंक्शन वगैरह चल रहे थे, न्यू ईयर मना रहे थे हम, ठीक है, न्यू ईयर मना रहे थे, क्रिसमस डे से लेकर न्यू ईयर पार्टी तक, फिर डुग्गू का बर्थडे और वगैरह सब अपने फैमिली में रोज डेली गई है, रोज डेली गई है,
इतना टाइम नहीं मिल पाया कि अपने चैनल पर एक प्रैंक भी बना सके। हट, हम तो इतना नहीं है, अपने व्यूअर्स को वीडियो देते हैं। अपने दोस्त का नंबर दे दीजिए जरा। अपने दोस्त का नंबर दे देना भैया। तुम पर नजर रखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। प्रैंक पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय। बढ़िया आई, मेरा प्रैंक फेल कर दिया यार। चलो यार, कोई बात नहीं। भूत भूत नहीं आती है रात में, भूत नहीं आती है। कौन आती है? कौन आती है? टाइटैनिक वाली हीरोइन आती है। टाइटैनिक वाली बढ़िया आएगी तुम्हें।